हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और हैप्पी नवरात्रि दोस्तों। तो मेरा पूजा का सामान आ चुका है और हम जा रहे हैं इसको रेडी करने। ये रहा मेरा कलशा दोस्तों, और ये गाय का गोबर है। बहुत तो सारे सामग्री पहले इसको हम वो गोट देते हैं बना के। ये देखिए अभी इसको पूरा भरना है। आज से नवरात्रि शुरू हो गया और 9 दिन बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा दिन की पूजा पाठ करना बहुत मन भी लगता है दोस्तों, और माहौल भी बहुत ही अच्छा लगता है। और पूजा में क्या क्या सामग्री रखते हैं दोस्तों आप लोग को दिखाएंगे, वीडियो बने रहिए आप। और किसके किसके घर पे कौन कौन व्रत रहता है दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कौन 1 दिन का रहता है, कौन 9 दिन का रहता है। थोड़ा सा बचें लाइए जाते। ये देखिए लास्ट दोस्तों, तो ये भी यहाँ पे लग गया। अब मेरा कलश पूरा तैयार हो चुका है, गिरेगा तो सबको मिलेगा दोस्तों, आप भी देख सकते हैं। अब इसमें जौ लगाते हैं, तो जौ लगा देते हैं, हाथ धो लेते हैं। जल लगा देते हैं उसे भी बातें होती है सब। एक में 5 लगता है ना, क्या चाहिए? तो ये मेरा कलश दोस्तों तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें जल भरा जाएगा और पैसा भरा जाएगा, नारियल रखा जाएगा, चुनरी रखी जाएगी। ये है गंगा जल, तो गंगा जल भर देते हैं।
उसमें है। और ये घर का है, देखिए तो चुनरी अच्छा है। ये देखिए नारियल में चुनरी लपेटा गया दोस्तों। अब हम टेबल है कचरा है तो किचन हम रखेंगे। हाँ कचरा है वो इतना ही दिया। हाँ हाँ वो लग गया है, ये अब गिर रहा है। चल रहा है किचन तो खुले नहीं थे, नहीं ऐसे ही मिलता है रखेंगे। तो सिंदूर ये रहा अच्छा। पैसा लाइए एक रुपये देखिए, पैसा लाते हैं एक रुपये पैसा हम इसमें डालने जा रहे हैं। सिंदूर इसी में आप लगा दीजिए। या तो नौ जगह कर दे घी वहीं पर रख दीजिए ना, रोज काम देगा पूजा करने के लिए। फूल देखिए दोस्तों, फूल और मेरे घर वाला है और बाहर से मंगाए हम लोग अपने खेत की तरफ से। अच्छा लग रहा है, ये नारियल टूटेगा ना, ये नारियल अभी टूटेगा। कलश बन गया है, ये
आइए दोस्तों, आप लोग को माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए। तो दोस्तों, आज की पूजा यहीं अंत करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज आप लोग माता रानी का पैर छू के आशीर्वाद ले लीजिए। 9 दिन नवरात्रि हस्बैंड जी का बहुत अच्छे से कट जाए। आप लोग आशीर्वाद दीजिए और माता रानी तो आशीर्वाद देंगी। 9 दिन ऐसा कट जाए कि पता ही न चले कि 9 दिन हमने कैसा क्या किए, कैसे पूजा की। दोस्तों चलते हैं, फिर दोस्तों दुकान जाना है, खाना बनाएंगे, फिर पार्लर जाना है, तो फिर मिलते हैं।